उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक प्याज की खुदरा कीमत शुक्रवार को 47 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो एक साल पहले 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी। दिल्ली में प्याज की कीमत दीपावली के बाद तक कम होने के आसार नहीं है। प्याज में होलसेल का रेट तो थोड़ा महंगा हो गया, 70 रुपए किलो करीब पहुंच गया रेट। पहले 35 रुपए किलो था, आज से 20 दिन पहले नवरात्रों में प्याज का रेट 35 रुपए किलो करीब चल रहा था और अभी प्याज 70 रुपए किलो का हो गया है। इसमें किसान की लागत भी बढ़ गई, क्योंकि किसान पे जो महंगे के पुराने माल पड़े हुए हैं इसमें से आधा माल सड़ भी चुका है ना उसका, तो उसमें निकाल के ये थोड़ा बहुत माल बचा, किसानों का माल खत्म हो चुका है। और नई प्याज जो आएगी दिवाली के एक हफ्ते बाद प्याज आ जाएगी, 15 से 20 हजार कट्टा अलवर में आ जाएगा, और हो सकता है प्याज पे थोड़ी नरमी आ जाएगी उस टाइम पे, और हर साल 1 से 2 महीने महंगा रहता है। आमतौर पर प्याज की नई फसल इस समय तक बाजार में आ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक रबी प्याज के खत्म होने और खरीफ की प्याज के आने में देरी की वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। पीछे से माल महंगा हो रहा है, लोग माल नहीं मंगा रहे, पीछे से माल ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, आड़ती क्या करेगा बेचारा। जब माल पीछे से मिलेगा जभी तो मंगाएंगे वो, जब पीछे माल महंगा तो यहाँ भी महंगा होगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में प्याज 25 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का फैसला किया है। जिन राज्यों की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहां थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर स्टॉक से प्याज उतारा जा रहा है। अगस्त 2023 के बाद से 22 राज्यों में कई स्थानों पर लगभग 1.7 लाख टन बफर प्याज उतार दिया गया है। Thank you.